हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। सो आज मैं बहुत ही रफ स्केचिंग करूंगा और ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कुछ बेसिक शेप्स के ऊपर और बेसिक शेप्स को किस तरह से स्पेस में हम मूव कर सकते हैं और अलग अलग एंगल और पर्सपेक्टिव के लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू हम किस तरह से उनको क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने सब कुछ डिस्कस किया था। सो आज मूविंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को थ्री डायमेंशन में समझते हैं, थ्री डायमेंशन में देखते हैं उनको क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि किस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्री डी व्यू में, थ्री डायमेंशनल व्यू में कैसे ऑब्जर्व करके क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो आप देख रहे हो, उन ऑब्जेक्ट को हमको कोशिश करनी है क्रिएट करते वक्त कि हम एक बॉक्स फॉर्म में लें। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, उसका सबसे पहले मैं उसका एक फेस, इसको हम बोलते हैं एक फेस, सो उसका एक फ्रंट फेस हमने उसको बना लिया, एंड देन उसमें पीछे डेप्थ देने के लिए सेकंड फेस और थर्ड फेस हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन्स हैं अलग अलग, अलग अलग फेसेस हैं 1, 2, 3, इन थ्री फेसेस के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है जब हम कोई भी कर्व या सर्कुलर ऑब्जेक्ट बॉक्स फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसके एंगल और पर्सपेक्टिव को लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट या सर्कुलर एलिमेंट कैसे बॉक्स पे किस तरह से पर्सपेक्टिव में वो फिट होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, सो अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड करूं, और हाफ में डिवाइड करने के लिए सिंपल है, दोनों तरफ से मैं इसको लाइंस, रेफरेंस लाइंस का लेके मेरा एक ये डॉट सेंटर पॉइंट मुझको मिल गया, और इस सेंटर पॉइंट पे अगर मुझको सर्कुलर अपना सर्कल प्लेस करना है तो ये मेरा फ्रंट एंगल है सबसे पहले। तो अगर मैं इस फ्रंट एंगल में अपने सर्कल को प्लेस करूँगा, मैं थोड़ा लाइट उसको बना रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि किस तरह से एक बॉक्स के ऊपर एक हमारा सर्कल प्लेस किया है। अगर यही सर्कल को मैं बाकी एंगल्स में प्लेस करने की कोशिश करूं तो वो कैसे करेंगे। सो इसी तरह से मैं अपने एक सेंटर, इस फेस का सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट मैं निकाल लेता हूं, और इवन ये सेंटर और ये सेंटर, तो मुझे पता लग गया कि मेरा एक सेंटर लाइन क्या है, एंड देन मैं उसमें अपने सर्कल को इजीली प्लेस कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो एक पर्सपेक्टिव, एक थोड़ा से डिफरेंट एंगल में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जिसका एक एंगल थोड़ा सा ऐसा है, क्योंकि ये अगर आप देखें ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, सो इस तरह से मेरा सेकंड सर्कल प्लेस हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझको इसके टॉप पर, टॉप एंगल, टॉप फेस पर इसको प्लेस करना है, तो मैं सेम इसके हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट, देन ये इसका सेंटर है, देन ये मेरा इस साइड से और ये इस एंगल से, देन उसी तरह से मैं इसको क्रिएट करूँगा। हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको, सर्कल को एक एंगल में प्लेस किया है। सो इसी तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे जिसमें कोई सर्कुलर एलिमेंट्स होंगे या कर्व्ड एलिमेंट्स होंगे, उसको हम कैसे
प्लेस कर सकते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर बॉक्स। और स्ट्रीट मैं बना रहा हूँ और इसके थोड़ा सा मैं इसके ऊपर इसको थोड़ा सा लेंथ दे देता हूँ मैं सेम, और जैसे दूर होता जाएगा तो थोड़ा सा एंगल कम होता जाएगा, ये परपेंडिकुलर इस लाइन के और ये परपेंडिकुलर इस लाइन के। ओके, नाउ इसके अंदर मुझे दो सर्कल मैं बना देता हूँ, इसके आगे और पीछे वो कैसे सेम मैंने ये उसको बीच में से कट किया ताकि मुझे सेंटर ऑफ द बॉक्स मिल जाए, और उस सेंटर को मैंने प्लेस किया किस तरह से, ठीक है। देन इसी सर्कल को मैं अगर पीछे अगर बॉक्स को समझूं इस एंगल से, थोड़ा सा मैं अगर यहाँ लूँ और ये सेम एंगल मेरा यहाँ पे जा रहा है और ये एंगल मेरा अगर यहाँ पे जा रहा है डॉटेड लाइन से, अगर मैं इसको समझूं देन इट विल लुक लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा एक्सरे मोड मैंने बनाया है जिससे कि मुझे इसके पीछे का एंगल समझ में आ रहा है कि किस तरह से पीछे का एंगल रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं इसके पीछे एंगल पे भी एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, पीछे के फेस पे बैक फेस, एक फ्रंट हो गया एक बैक, सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया और इस पर मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। ओके, अब अगर मैं इस सर्कल को कनेक्ट करूं दोनों सर्कल्स को ऐसे, तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, कि ये फ्रंट वाला फेस और पीछे वाला फेस थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि जब हमारा पर्सपेक्टिव कोई भी चीज़ दूर होगी तो वो छोटी होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा कैमरे के पास होगी उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। ओके, अब अगर मुझे इसमें मान लो मुझे एक रोड बीच में लगानी है और इसको थोड़ा सा डेप्थ देना है, तो मुझे 3D और हल्का सा उसका 3D व्यू मैं ऐसे दे सकता हूँ, और इसके सेंटर से एक और यहाँ इस सेंटर से एक लगभग यहाँ से एक रोड जा रही है जो कि थोड़ी सी चौड़ी हो के थोड़ी सी पतली हो जाएगी पीछे तक जाते जाते। ओके, और इस तरह से इस सेंटर से कनेक्ट हो जाएगी, और देन उसके पीछे का जो सर्कल है उसमें भी थोड़ी सी डेप्थ पीछे की साइड पे दिखेगी अगर हम उसको 3D बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, नाउ अगर आप देखें कि मैंने एक बॉक्स का यूज़ करके किस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसी तरह से लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में मैं एक बॉक्स बनाता हूँ थोड़ा ऐसे, और उसमें डेप्थ दे देता हूँ 3D, और इसके अंदर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। सबसे पहले जो हमने सीखा कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ जा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ, देन उसके बाद मैं एक सर्कल बना देता हूँ
बहुत रफ आप इनिशियली अपने स्केच को लीजिए, वो ज़रूरी नहीं है उसका परफेक्ट होना इनिशियली, बाद में हम उसको क्लियर और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जैसे इतनी डेप्थ है तो इसी के साथ मुझे मेरे इस सर्कल के साथ में डेप्थ आएगी थोड़ी सी, थोड़ी यहाँ से थोड़ी अंदर तक जाएगी, अराउंड यहाँ तक, और ये मेरा ओवरऑल सर्कल, ओके। और इसको अगर मैं बीच में और थोड़े से सर्कल के साथ और थोड़े से एंगल के साथ देखता हूँ, एक व्हील बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा एक सर्कल और मे बी उसके ऊपर एक और सर्कल, और ये थोड़ा सा आगे तक आया है, देन इसके साथ में एक और सर्कल, ओके, देन ये थोड़ा सा एंगल यहाँ से, देन ये यहाँ से, और इस सर्कल के आगे की डेप्थ और पीछे की डेप्थ थोड़ी सी, एंड देन इस सेंटर लाइन से ही मैं एक साथ कनेक्ट करते हुए दो लाइंस लगा सकता हूँ ऐसे, और इसी तरह से मैं इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम साइज की एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, और इसी तरह से इस एंगल में भी ऐसे ही सेम इस तरफ, और अगर इनमें थोड़ी सी डेप्थ की तरफ देखा जाए, ये थोड़ा सा इसके ऊपर का पार्ट दिख रहा है और यहाँ से थोड़ा सा पीछे का पार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे का दिख रहा है, ओके। तो इस तरह से अगर आप देखें कि एक हमने एक व्हील बनाया, एक पहिया बनाया, और इसमें हमने थोड़ी डिफरेंट तरीके से किस तरह से बॉक्स से हमने उस सर्कल को डेवलप करने की कोशिश की है, ओके। तो इसको अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें, तो हमने सिलेंडर की भी बात की थी, तो सिलेंडर को अगर हम बॉक्स शेप से कन्वर्ट करते हैं तो, और देखते हैं किस तरह से एक बॉक्स फॉर्म में वो उसको ढाला जा सकता है, तो अगर हम देखें तो थोड़ा ये मैंने यहाँ से यहाँ इस तरह से किया, ठीक है, और देन इसका फ्रंट फेस यहाँ तक हो गया है और प्लस यहाँ तक ये हमारा हो गया है, देन इसके पीछे का थोड़ा एंगल और फिर इसके अंदर का एंगल हमने देखा, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा डिवाइड किया ताकि हम इसमें एक सर्कल बना पाएँ,
और सर्कल बनाने के बाद हमने नीचे का भी एक एंगल समझा, उसमें भी एक सर्कल क्रिएट किया और देन हम उसमें एक उसको एक फॉर्म दे सकते हैं सिलेंडर की। ओके, इस तरह से हम एक बॉक्स में सिलेंडर को प्ले कर सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ और अगर ट्राई करूं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने एक सिंपल बॉक्स लिया है, इस बॉक्स को मैं थोड़ा सिलेंडर फॉर्म में अगर समझूं तो इसमें मैंने इसका टॉप एरिया ऐसे सिलेंडर समझ लिया और इसका एक बॉटम एरिया जो कि ऑलमोस्ट सेंटर में रहेगा, इसका एक बॉटम एरिया मैंने थोड़ा सा उससे ही कम फॉर्म में थोड़ा सा सिलेंडर में ऐसे समझ लिया और देन उसको मैंने कनेक्ट किया। कनेक्ट करके मैं थोड़ा सा उसकी आउटलाइन को टच कर देता हूँ, क्लीन अप कर देता हूँ। तो अगर हम ऊपर के पार्ट को ऐसे बॉक्स की तरह समझें, एज अ बॉक्स, सो ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, और देन उसके अंदर का एक डिफरेंट एंगल अगर हम समझें तो उसको एक बॉक्स की फॉर्म में लिया जा सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बॉक्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल कर दूं अगर चीज़ों को, और इसमें ये मुझे पता लग गया मेरा अप से लेकर डाउन कितनी लेंथ है मेरे ऑब्जेक्ट की, देन उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट किया और देन उसका बेस ऑलमोस्ट कुछ ऐसा है। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और उनकी डायमेंशन को समझना, उनके एंगल को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ओके, तो ये बहुत रफ़ ड्राइंग्स हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट वे में बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं बनाई गई हैं। सो आप अपना टाइम लीजिए, बहुत टाइम देके आप उसको कोशिश कीजिए परफेक्ट बनाने की अपने एंगल पे, और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके आपको पता लगेगा कि किस किस तरह से आप एक बॉक्स फॉर्म में, एक एंगल में किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे प्लेस कर सकते हो। तो जैसे अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल, मैंने एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ रखा है, मेरा
आई लेवल अगर यहाँ है और वैनिशिंग पॉइंट यहाँ है और मेरा आई लेवल अगर ये है, तो अगर मैं आई लेवल से किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँ और उसको प्लेस करने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्लियरली पता लग जाता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक उसको प्लेस करना है और मेरे लिए कैसे इजी रहेगा अपने ऑब्जेक्ट को, कि मैं किस लाइन ऑफ एक्शन से उसको देख रहा हूँ और उसमें मैं उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसका सेंटर मैंने लिया और देन उसके बाद मैंने उसमें जो भी मुझको उस एंगल पे क्रिएट करना है वो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं किस एंगल से उसको क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस आप इसकी कर सको। ठीक है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं तो इस मेथड को यूज़ करें और उससे कोशिश होगी, जैसे हम सर्कल्स या एलिप्स का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं उस बॉक्स फॉर्म में प्लेस करने की, तो इससे आप कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से आप बना सकते हैं। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।